जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी एल्टीग्रेड नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन साथ ही योग्यता और चयन प्रक्रिया में बदलाव को लेकर आयोग से बहुत ही बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा जिससे सारी चीजें आप सभी के समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एल्टीग्रेड जीएस की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चच्चू प्रकाशन की है, जिसमें आपको मिलेगा पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी एवं विगत वर्षों के प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश, साथ ही वर्ष 2019 के साल्ब पेपर का समावेश। इसके अलावा 800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी को यहां पर देखने को मिलेंगे और ये बुक यूपीपीएससी द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है, जिससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, सारा कुछ इसी बुक से देखने को मिलेगा, तभी तो चच्चू प्रकाशन की बुक सर्वश्रेष्ठ बुक मानी जाती है। तो एक बेहतर तैयारी के लिए तुरंत परचेस करें। ये बुक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही चच्चू की सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती है जिन्हें पढ़कर आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम चयन प्रक्रिया को लेकर बात करें तो यहां पर पीसीएस और स्टाफ नर्स के अलावा आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से यूपीपीएससी के द्वारा ही ये जानकारी सामने निकल कर आई है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी एकल स्त्री। अध्यक्ष संजय श्रीनेत के अनुसार कोई भी चयन प्रक्रिया सीधी या एकल स्त्रीय नहीं होगी। गड़बड़ी की आशंका खत्म करने के लिए आयोग चयन प्रक्रिया को यहाँ पर दो या तीन स्तरीय करने जा रहा है और यहाँ पर यह भी कहा गया कि एकल स्तरीय परीक्षाओं में लोग अनुचित साधन से पास होने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर साथियों, सभी यूपीपीएससी की भर्तियों के लिए यह जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो यूपीपीएससी एलटी ग्रेड भर्ती भी इसमें शामिल है। तो अब यहां से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है चयन प्रक्रिया को लेकर। वहीं अगर बात करें नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर तो यहां पर यह जानकारी निकल कर आ रही है कि आयोग अभी पुरानी भर्तियों को प्राथमिकता दे रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलटी ग्रेड 2018 की भर्ती का अभी यहां पर पूर्ण रूप से समाधान नहीं किया गया है। हालांकि नियुक्ति पत्र को लेकर जो है कल एक नोटिस भी जारी की गई थी कि 8 तारीख को सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी यहां पर वेटिंग लिस्ट का भी जो है समाधान नहीं हुआ है। तो जब तक ये पुरानी भर्तियों का समाधान नहीं होगा तब तक यहां से विज्ञापन में देरी ही देखने को मिलेगी, इस प्रकार की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। और अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा इसको लेकर भी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं दी गई है और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे की जो भी खबर होगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। थैंक यू सो मच।